हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नहर पे खड़ा हूँ और यहाँ पे लोग पानी लगा रहे हैं। यहाँ पे नहर आती है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इस नहर से लोग पानी लगाते हैं अपनी अपने खेतों में। तो ये देखिए, ये नाली है, वी शेप में इसको कर दिया है। एक पानी इधर को, इधर से पानी आ रहा है जो खेतों में चढ़ गया था, जिसमें फसल नहीं लगी उन खेतों में पानी चढ़ गया था, उनसे फिर नहर पानी आ रहा है, और इधर से नहर का पानी खेतों में जा रहा है। तो गाइज, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये वाली नदी बह के इस बड़ी नदी में आ रही है और इस नदी का पानी इधर जा रहा है। काफ़ी अच्छा अद्भुत नज़ारा है। इस बार यूपी में जो है पानी कम बरसा है, तो पानी मतलब नहीं गिरा जाता, बारिश कम हुई है, इस वजह से जो है फसल ठीक से लग नहीं पा रही हैं। पानी अब नहर का आया है, अब इससे लोग अपनी फसलें लगा रहे हैं। लोग फावड़ा लेकर जुटे हुए हैं अपने अपने खेतों में और नहर से पानी काट के अपने खेतों तक पहुँचा रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं खेतों में, लेकिन यहाँ से देखना मुश्किल होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक अंकल जी फावड़ा लिए जुटे हैं और इधर भी कई लोग जुटे हैं, और लोग मतलब पंप पंप भी लगा रहे हैं, समरसेबल वाला, अरे क्या बोलते हैं, टैबुल जो होता है वो लगा रहे हैं अपने खेतों में, नहर में पाइप डाल के, ताकि अच्छा सा अच्छे से पानी पहुँच सके जल्दी थोड़ा। और बांध भी लगा रहे हैं लोग नहर में ऐसे कट करके, ताकि पानी रुक सके उस जगह पे। लेकिन बांध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आगे भी जाने देना चाहिए पानी, और लोगों को भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो फसल लगी हुई है, ये आगे की आप देख सकते हैं वो वाली, तो वो पीली पड़ चुकी है फसल, क्योंकि उसमें पानी सही मात्रा में नहीं मिला, तो फसल पीली हो गई है, जबकि ये वाली सही है अभी। तो ऐसे ही सब लोग अपने अपने खेत में पानी लगा रहे हैं, और नहर काफ़ी दिन बाद आई है, तो जो एक्स्ट्रा पानी जो है, जो मतलब जहाँ पानी नहीं होना चाहिए, जिन खेतों में फसल नहीं लगी, उसका पानी भी जो है इसी नहर में आ रहा है, और इसका नहर का पानी उधर जा रहा है। तो गाइस, ये नाली बनी हुई है, नाली से पानी सारा जा रहा है, और यहाँ पे तार भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कटीले तार लगे हुए हैं, ताकि कोई जानवर अंदर ना जा सके, फसल बर्बाद ना करे, इसलिए सारे वहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरे में तार लगे हुए हैं। तो गाइज, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं हम गांव वालों की, कि बारिश ना होना किसी इलाके में, या फिर नहर का ना आना। तो देखा जाए तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर खेत नहीं लगेंगे और जो पानी वानी नहीं भरा जाएगा, तो किसान जो हैं वो परेशान हो जाएंगे और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो है पानी भी हर तरफ देना चाहिए, हर तालुका में पानी मिलना ही चाहिए। तो नहर यहाँ बहुत मेहनत से, मतलब बहुत कोशिश करने पर इधर पानी दिया गया है, तो अब किसान बेचारे सब अपने अपने फसल लगाने में बिजी हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो प्लीज़ किसानों का सपोर्ट करें। और गाइज, हम उगाएंगे नहीं तो आप खाएंगे क्या, ये भी सोचने वाली बात है, कि अगर गांव में फसल नहीं उगाई जाती या फिर फसल नहीं की जाती है, तो शहरों तक कैसे पहुंचेगी और लोग खाएंगे क्या, क्योंकि यहीं से ये सारा एरिया है पूरा, तो यहाँ पे पूरी खेती ही होती है, यहीं नहीं, पूरे सब कहीं गांव के आसपास बहुत दूर तक, मीलों मीलों तक जो है खेती खेत हैं। तो ये बहुत सारा अनाज जो है गल्ला मंडी में जाता है, वहां से शहरों को जाता है। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे वीडियो पहुंच सके। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।